जट्टी नचे पटियाला खड़खड़ वेख दा लुधियाणे जट्टी नचे पटियाला खड़खड़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज मैंने क्रिएट किया है कुछ पंजाबी टाइप का लुक, क्योंकि आज है हल्दी, तो जहाँ पर कल शादी है वहाँ पर आज हल्दी भी है, और वो लोग ना पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं, मतलब पंजाबी हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना आज थोड़ा सा पंजाबी लुक क्रिएट किया जाए। बट पता नहीं कैसा लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है मेरा ये वाला लुक। और फटाफट से फ्रेंड जाते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको पता ही है मुझे थोड़ा सा तैयार व्यार होते लेट हो ही जाता है, बट चलो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं फिर। तो गाइस, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुँची थी, और इसी वक्त बस हल्दी का स्टार्ट होने ही वाला था। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये है फैमिली और हल्दी की तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं। और वैसे मैंने एक चीज़ देखा कि ना, चाहे किसी भी मतलब धर्म के हो या कुछ भी हो, कि सबका ना रीति रिवाज मिलता जुलता ही होता है। तो जैसे कि इनका पंजाबी ट्रेडिशन है, तो उस हिसाब से भी ना जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही है। और यहाँ पर देखिए सामने हल्दी का जो डेकोरेशन है वो भी कितना सुंदर बना रखा है, और फैमिली वाले ना बस बिल्कुल रेडी हैं, तैयारी व्यारी कर रहे हैं जो भी रिचुअल्स होते हैं उसके साथ। हल्दी लगाने से पहले यहाँ पर दुल्हा कन्याओं के हाथ में थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी दे रहे हैं, क्योंकि ये ना एक शगुन है, और ऐसा कहा जाता है कि कन्याओं के हाथ से ना शुभ कार्य करते हैं तो वो शुभ ही रहता है। तो हल्दी सेरेमनी शुरू हो गई है फ्रेंड्स, और शुरुआत हो रही है दुल्हे की माँ से, और यहाँ पर ना बहुत सारे गीत गाए जाते हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हल्दी के टाइम पे ना जो हल्दी लगाता है ना, उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा फ़नी फ़नी बातें बोली जाती हैं, बट ये एक मजाक का टाइम होता है और कोई बुरा भी नहीं मानता है, और काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइम पर ना, हंसी मजाक का माहौल होता है। ने पाया,
तो दोस्तों हल्दी लगाने के बाद ना उसके बाद काम होता है कि सब लोग मिलकर हल्दी अच्छे से लगाएं, क्योंकि उससे पहले तो ना बटना कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा सब शगुन के तौर में लगाते हैं, लेकिन बाद में सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हल्दी का रंग होता है उससे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। बट आजकल के टाइम में तो सब फेशियल्स करवाते हैं, लेकिन एक रिवाज है जो सब लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो हिंदू समाज में ना हल्दी लगाना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी माना जाता है। और एक ये रिवाज होता है फ्रेंड्स, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो यहाँ पर दूल्हे की माँ दूल्हे को शक्कर और चावल खिलाते हैं, ये इनका ट्रेडिशन है। तो ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। तो सबके ना देखो अलग अलग कल्चर होते हैं और सब लोग उस कल्चर को फॉलो भी करते हैं। तो यही है हमारा भारत, जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और सबके अपने रिवाज होते हैं और सब उन रिवाजों के साथ सब लोग मिलकर रहते हैं। तो गाइज़ ये भी एक तरह का ना मतलब एक फ़नी मोमेंट है, जब जो सास है यहाँ से चौंकी है उसको क्रॉस करके जाना है, तो साथ में जो उनकी देवरानी जेठानी है और ननंद है उनके हाथ थोड़ा मजाक कर रहे हैं उनको घेरने का। तो ये भी एक तरह का रिवाज है जो इनके कल्चर में होता है। दारू मशीन खाती खाते Thank you.
देख रहे हो कि फिलहाल टाइम हो गया है मामा स्वागत का, और यहाँ पे ना इतना ग्रैंड वेलकम किया मामा जी, और का ना कसम से मजा आ गया मतलब। और वो बैंड के साथ ना सीरियसली जो वो गा रहे थे ना, उसके जो ढोल बज रहा था ऑसम, सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और अभी ना मैं तो इतनी जल्दी में आई ना, क्योंकि मैं ना घर पे काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चल जाऊँगी आराम से 3-1 बजे, लेकिन यहाँ पर जैसे एंट्री हुई ना उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चल छोड़ो थोड़े दिन जाएंगे, लेकिन बाद में फिर ऐसा मन किया कि चलो चलते। बस गेटअप मैंने चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस मैंने सूट दूसरा फंसा लिया है ब्लैक वाला, और उसके बाद मैं जैसी थी ना वैसी आ गई। तो फिलहाल टाइम था इस टाइम स्नैक्स का, और मुझे तो ना बहुत ज़रूर से भूख लगी थी, क्योंकि मैंने ना सुबह से आज नाश्ता नहीं किया था, और जैसे कि आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे लोग थे, तो फिलहाल इस टाइम यहाँ पे इनका नाश्ता पानी हुआ, और उसके बाद शाम को यानी कि 4-1, 5-1 बजे फिर यहाँ पे जो चौंकी वौंकी चढ़ेंगी वो सारा रीति रिवाज होगा। सो फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग आ गए हैं मामा स्वागत से। मैं ना लेट गई थी, तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, और उसके बाद ना बहुत सारा रिचुअल है चौंकी में चढ़ना ये सब, बट मैं आ गई हूँ घर पर, क्योंकि मेरे बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो उनको भी देखना है, खाना वाना देना है बच्चों को, तो फिलहाल मैं घर पर आ गई हूँ। और शाम का जो भी होगा ना सहरा वगैरह जो भी होगा, तब वहाँ जाऊँगी, तब उसके बाद जैसा भी ब्लॉग होगा ना वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ना पंजाबी वेडिंग है, बड़ा मज़ा आ रहा है यार, मतलब हमारे यहाँ पर ना हमारी वेडिंग होती है या फिर वैसे होती है, लेकिन पंजाबी वेडिंग मैंने आज तक नहीं देखी, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब मैं पंजाबी वेडिंग देख रही हूँ, और सीरियसली इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब इतना धूम धड़ाका, इतना खूब अच्छा लग रहा है। आई होप सब कुछ अच्छे से निपट जाए बस।